फॉर फ्री बिजनेस शिफ्ट मैं चाहता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, ताकि आप इससे कनेक्ट रहें और आपको फ्री टिप्स मिलते रहें मेरे प्रोग्राम्स के, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाए 10-30%, 30-80%। तो कनेक्ट रहिए मेरे पेज से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो पिक्चर जो मेरे दिमाग के अंदर जो है ना, मेरे दिमाग में जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर यहाँ पर है। अभी यहाँ पर मैंने एक फोटो बनाया है और मैं जीतू बोला जीतू काम कर 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 कर, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो यहाँ से आके ये पिक्चर को देख नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? एक काम आपके दिमाग में है, वो आइडिया आपके दिमाग में है, लेकिन वो आइडिया आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपने लोगों के सामने, और आपको लग रहा है आपने कर दिया, लेकिन वो पिक्चर उनको दिखी नहीं है। जब तक वो पिक्चर उनको दिखेगी नहीं, क्या वो उस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? और 99% जो केसेस में है ना, हम यहीं पे लैग कर रहे हैं। हम जो दिमाग की पिक्चर है वो दिखाई नहीं पा रहे। दीपाली बिलाल या जो भी लोग हैं मेरे साथ, जो उनको काम देता हूँ मैं, ये काम करना है। फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछता हूँ, क्या बोला मैंने, क्या करोगे आप? तो जब वो बताते ना, उसमें कुछ और ही बता देते हैं मेरे सामने फेस टू फेस बोलने के बाद, क्योंकि वो अपने माइंड से कुछ और तैयार कर लेते हैं। तो मैं देखता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, जो मैंने बोला वो पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो जो पिक्चर मिली है वो ही बनाने वाले हैं। ये बहुत कुछ बनाया ना हमने, ये ऐसा बहुत कुछ बना लेंगे हम लोग, क्योंकि पिक्चर ही हमको वो दिखी। तो इसमें गलती इनकी नहीं है, पिक्चर ही इन्होंने ये देखी। तो गलती किसकी है? हम वो पिक्चर दिखा नहीं पाए। और ये अक्सर होता है टीम के साथ में, फैमिली के साथ में, हर जगह होता है। और ये इस कॉन्सेप्ट को दिया था इन्होंने, 7 Habits of Effective People, स्टीवन कोवी। स्टीवन कोवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें केस स्टडी में बताया उन्होंने। एक बच्चा अपने डैडी को बोल रहा है, 9th standard का बच्चा है, वो बोल रहा है अपने बाप को, बोल रहा है कि डैडी मैं जान गया हूँ स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, स्कूल जाना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। समझो मैं जो बोल रहा हूँ, कन्वर्सेशन समझो, 5 मिनट में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बच्चा बोल रहा है डैडी को, डैडी मैं समझ गया हूँ स्कूल जाना पूरी तरह से अव्यवहारिक है, स्कूल जाके कोई फायदा नहीं है। ये बच्चे ने बाप को बोल दिया। बाप क्या बोलते हैं? क्या बात कर रहे हो बेटा? बोलता हाँ डैडी। बाप क्या फोन करता है? क्या बात कर रहे हो बेटा? बोलता हाँ डैडी मैं जान गया हूँ स्कूल जाके कोई फायदा नहीं है, आप ही बताओ मेरे को a+b2 मेरे आगे जाके लाइफ में क्या काम आने वाला है, a+b2 मेरे आगे जाके लाइफ में क्या काम आने वाला है। बाप बोलते हैं बेटे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो ना, एक टाइम पे तुम्हारे डैडी के साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, और तुम मेरे ही बेटे हो, मैं समझ सकता हूँ। एक टाइम पे फिजिक्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, मुझे भी ऐसी लगता था कि पढ़ाई करके क्या होगा, फिर मैंने उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल की और मैंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर लेकर आया, और आज जाके तुम्हारे डैडी यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने हैं। उस सब्जेक्ट पे काम करके वीकनेस को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया, उस पे काम किया मैंने। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा। तो बाप बेटा बोलते हैं नहीं डैडी मेरे को नहीं लगता पढ़ाई जरूरी है, अगर ऐसा ही होता तो मेरे फ्रेंड एक राजेश, उसने तो पढ़ाई छोड़ दिया और ऑटो मैकेनिक बन गया, वो तो अच्छा कमा रहा है, पैसे कमा रहा है अभी एज में। ऑटो मैकेनिक तुम पागल हो गए, तुम ऑटो मैकेनिक बनोगे? तुम्हारी मम्मी ने और तुम्हारे मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमने शहर के सबसे महंगे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराया, इसलिए कराया तुम ऑटो मैकेनिक बनोगे? तुमको पता है तुम्हारे डैडी ने क्या क्या स्ट्रगल किए, साइकिल से जाते थे, ये करते थे, सब बातें करते थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पढ़ाई करो, टीवी देखना बंद करो, खेलना कूदना कम करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो पढ़ाई पे ध्यान दो और ये सब बातें मत करो, पढ़ाई करना तुमको ऑटोमेटिक नहीं बनना है। बेटा बोलता ठीक है। ये कन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके बाद बाप उससे बच्चे से पूछता है कुछ दिन का, बेटा कैसे चल रहा है? बोलता ठीक चल रहा है, और कभी एग्जाम में पता नहीं हो रही है, सिर्फ एक वर्ड में हो रही है कम्युनिकेशन, सिर्फ एक वर्ड में आ गई। जो लंबी कम्युनिकेशन होती थी वो सिर्फ एक वर्ड में आ गई, एक वर्ड में आ गई। और वही बाप देखता है थोड़ी देर के बाद बच्चा फोन पे अपने फ्रेंड के साथ घंटों बात बात करा, लेकिन बाप बेटे के बीच में कन्वर्सेशन सिर्फ एक वर्ड। अभी मेरे को बताओ बाप की भावना गलत थी क्या बच्चों को समझाने की? गलत थी क्या? बाप अपनी जगह पे सही था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम कम्युनिकेशन को समझे नहीं है, और यही प्रॉब्लम हमारी टीम में हो रही है। केवल ज्योति जी तो हमारी टीम में यही प्रॉब्लम हो रही है। बेटा बोलता है डैडी मैं जान गया हूँ पढ़ाई करके स्कूल जाके कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। तो उसने क्या, मैं जान गया हूँ स्कूल जाके कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि डैडी मेरे को स्कूल में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ। लेकिन वो बात ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, वो बोल कुछ और रहा है, माइंड में पिक्चर कुछ और है, देख कुछ और रहा है। और हमारा काम क्या है? उस पिक्चर को देखना। जब तक हम वो पिक्चर नहीं देखेंगे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलने वाला है। हमारी टीम बोल रही है, कंप्लेन कर रही है, रीजन दे रही है दुनिया भर के, लेकिन हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे और सीधा ज्ञान दे रहे हैं और प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम सलूशन समझ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमको दोनों को बोर्ड के इस तरफ आना है, तब जाके पिक्चर दिखेगी। तो
बेटा बोल रहा है डैडी मैं जान गया स्कूल जाके कोई फायदा नहीं है, मतलब उसके दिमाग चल रहा है डैडी मैं समझ गया हूँ मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और मैं आपका ध्यान देना खींचना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ अपनी प्रॉब्लम। बाप बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है, खाली एक वर्ड बोलता है, अच्छा तुम ऐसा समझते हो। उसको लगता है कि शायद डैडी समझ रहे हैं, तो मैं धीरे से और अच्छी तरह से बात को प्रेजेंट करता हूँ ताकि डैड इंटरेस्ट लेना शुरू करें। फिर वो अगला वर्ड बोलता है आप ही बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर मेरे साथ ले किस काम आएगा, मतलब मैथ्स में मेरे को प्रॉब्लम चल रही है और मैथ सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता मेरे को जीरो मिला है, पहले मुझे माहौल बनाना पड़ेगा। तो बोलते हैं आप ही बताओ मेरे को ए प्लस बी होल स्क्वायर मेरे किस काम आएगा। अगेन बाप बोल देता है बेटा तुम सही बोल रहे हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो ना। अब बाप क्या बोल रहे हैं बेटा सुन ही रहा, बेटा बोलता है अभी इसका शुरू हो गया, अब इसकी आत्मकथा शुरू होगी, अब ये पहला चैप्टर बोलेगा फिर करते करते तीन चैप्टर तक लगातार बात करेगा, अब इसके सामने बात करके मतलब नहीं है या फिर मुझे बात को और अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। वो कहानी सुनाता है मैंने स्ट्रगल किया ये किया, बोलता है कि डैडी मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ाई छोड़ दी और ऑटो मैकेनिक बन गया है, मतलब मैं बात को और अच्छे से लेना चाहता हूँ ताकि डैड मेरे पे ध्यान दे, मैं बात को क्लियर कर सकूँ, समझ में आ रहा है। और बेटा बोलता है बाप अपनी कहानी शुरू करता है, कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, बोलता है बोल के मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, समझने वाला तो है नहीं, बात करके मतलब ही नहीं समझ, इससे अच्छा अपना प्रॉब्लम अपने पास ही रखो, बाहर किसी डिस्कस करेंगे, आज के बाद इस आदमी से बात ही नहीं करना, ये समझ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बाप की भावना गलत थी, क्या उस कम्युनिकेशन से रिजल्ट निकलेगा, निकलेगा नहीं निकला तो रिजल्ट किस तरह से निकलेगा, इफेक्टिव पावरफुल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव पावरफुल कम्युनिकेशन किस तरह होगी, यही फॉलो करता हूँ मैं और यही मैं बोल रहा हूँ आपको फॉलो करना है अपनी टीम के साथ, उसमें हमको लिसनिंग करना है, ज़्यादा सुनना है, आंसर नहीं करना है, ज्ञान नहीं देना है, टीम के साथ तुमको यही करना है। क्या करना है इसने बोला कि डैडी मैं समझ गया स्कूल जाके कोई फायदा नहीं है, बाप बोलते हैं अच्छा तुम समझ गया, बोलता हाँ मैं समझ गया, आप ही बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर मेरे किस काम आएगा, मतलब मैं आपका ध्यान नहीं देता हूँ। बाप बोलते हैं अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बात तुम्हें ठीक है ऐसा क्यों लगता है, अब बाप कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, गुस्सा आएगा तुम्हारे को, तुम्हारा सेल्समैन या तुम्हारी टीम वाला बंदा कंप्लेन कर रहा है, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना है, निकालना है एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या चल रही है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये होगी कॉलर पकड़ लिया शर्ट मार दी कुछ लफड़ोगे उसको लग रहा जाऊंगा तो मारेगा मेरे को, लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है अपने को वो पिक्चर देखना है, तो बोलते अच्छा तुम ऐसा लगता है तो बताओ, तो लगता है डैडी मेरी बात समझ रहा है, डैडी आप ही बताओ मेरे दोस्त ने भी पढ़ाई छोड़ दी ऑटो मैकेनिक बन गया, तो बाप बोलते हैं अच्छा ऑटो मैकेनिक बनना चाहते हो, फिर सवाल कर रहे हैं आंसर नहीं दे रहे हो, नहीं डैडी मैं ऑटो मैकेनिक बनना नहीं चाहता, हमारे फ्रेंड भी बोले तुमने पढ़ाई छोड़ के गलती कर दी, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे डर है आप मम्मी को बोल दोगे, मैं नहीं बोलूंगा तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैं मैथ्स में फेल हो गया जीरो मिला है मेरे को और टीचर ने मेरे को बोला है कि साइन लेकर तीन दिन एक हफ्ता स्कूल नहीं आने देंगे तुम्हारे को, टेबल पे आ गए हम लोग, अब पिक्चर को हम लोग देख पा रहे क्लियरली, अब हम काम कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है क्या है, क्या करना है तुम्हें आज के बाद, उस पिक्चर को देखना है, उसको समझना है, ज्ञान नहीं देना है जब तक तुमको पिक्चर दिखे नहीं, और क्या तुम वो पिक्चर अपने लोगों में उतार पा रहे हो या नहीं उतार पा रहे हो, नहीं उतार पाओगे। अगर आप भी अपने बिजनेस को 40-400% ग्रो करना चाहते हैं, जी हाँ 40-400% ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है सफल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन कीजिए, 200 से ज्यादा कंपनी ऑलरेडी इस प्रोग्राम को कर चुकी है और उनके बिजनेस में 40-400% ग्रोथ हुआ है, आप भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, तुरंत हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप हमारा 1 डे प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।